पवई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में इटोरी पेट्रोल पंप के सामने स्थित ढाबा के पास व्यक्ति से 2 पेटी अंग्रेजी और 5 पेटी देसी प्लेन अवैध शराब जब्त की गई। आपको बता दें कि युवक के पास से करीब 67 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 37,500 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्णा छोटा जी, श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह और एसडीओपी पवई श्री सौरभ रत्नाकर के मान निर्देशन में कल कशवा में सूचना प्राप्त हुई थी रात को करीब 7:30 बजे कि एक व्यक्ति जो पेट्रोल पंप के सामने जो ढाबा है उसके एक अवैध शराब बेच रहा है, जो मुखबिर की सूचना की तहदीक पुलिस स्टाफ द्वारा की गई थी, जो आरोपी के कब्जे से 7 पेटी शराब, जिसमें 2 पेटी गोवा की हैं, 5 पेटी देसी प्लेन शराब की हैं और 25 क्वार्टर खुले हुए हैं, कुल 375 क्वार्टर और करीब 67 लीटर शराब है, जिसकी कीमत करीब 37,500 रुपये है। पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र के कब्जे से बरामद की है और आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है और विवेचना अभी जारी है।